सबको फंसाने का काम बिहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नीतीश। उनको तो पता होगा ही ना, जिसने फंसाया है उन बेचारों को तो उनको तो पता होगा ही। एकदम ठीक कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी एकदम सही कर रही है, क्योंकि वही लोग तो फंसाए। फंसाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करते हैं बिहार में, और कोई दूसरा नहीं। उम्मीद ही मैं नहीं करता हूँ कोई नैतिकता राजद में हो, ये सब मैं नहीं जानता। मैं तो लालू जी को देख रहा हूँ, चार्जशीट जब तक वारंट नहीं आया तब तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी आपका क्या रोल है। आपने ही लालू जी को फंसवाया और आपने ही तेजस्वी यादव को फंसवाया। देखिए, इनको जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, ये कागज कहाँ से। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता। इसलिए जनता दल यूनाइटेड से जाके पूछना चाहिए कि ये कागज आपने दिया तो भाजपा कैसे फंसा सकती। लालू जी को जेल में किसने रखा, 1996 में देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू जी थे। तो अब बताइए उस समय कौन सरकार थी, सीबीआई को किसने लाया। देखिए, कागज देने वाले से पूछिए कि एविडेंस किसने दिया, वो तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिया ना। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1996 से जेल रहा हूं नीतीश बाबू, रोज ही लोग राज्यपाल के यहां जाते थे, तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। बरूपिया इसलिए मैंने कहा नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू जी क्या कहते थे, सांप जो है अपना कवर छोड़ता है, उसी तरह लालू जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। एक एक बात लालू जी ने कहा है या उनके सहयोगियों ने कहा है। नीतीश जी साल दो साल में उनका मन भर जाता है, सहयोगी बदल लेते हैं, व्यक्ति बदल लेते हैं। एक आदमी देख लीजिए, पूरे जो जदयू है तो समता पार्टी का दौर हुआ था 94, एक आदमी भी नहीं बचा है जिसको वो पार्टी से निकाले नहीं, इंक्लूडिंग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कई राज्यसभा के सदस्य। सबको फंसाने का काम बिहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नीतीश कुमार।